बात और आज जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम जरा कामयाबी पे इस तरह से बात करें कि वो चाबी जिसे सब ढूंढ रहे हैं और समझते हैं कि एक ताले में लगाई जाएगी और कामयाबी निकल के बाहर आ जाएगी इस दरवाजे से, तो हमें पता चले। और ऑब्वियसली इसके बारे में मैं आप हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर बात करते रहते हैं, मगर बात अगर उस चेहरे से उस जबान से सुनी जाए जिसको आप वाकई देखते हो कि हमारे माशरे में अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी से हमकिनार किया, ऐसी शख्सियत से अगर आप बात सुनते हैं और फिर उनकी स्टोरी जानते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ सोचने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी में भी उसी तरह का पेशेंस, उसी तरह की मेहनत, उसी तरह का एतकाद और फेथ लेकर चले और फिर कामयाबी इंशाल्लाह ताला आपको हासिल होगी। क्योंकि आजकल आज के दौर में हमारे यंगस्टर से लेकर किसी को भी देख लीजिए, अगर कोई छोटा सा यूट्यूब चैनल भी बनाता है तो उसके है कि जी मुझे इससे कामयाबी हासिल हो। जाहिर है हम जिंदगी में जो काम करते हैं हम चाहते हैं कि उसका नतीजा हम जैसा भी चाहते हैं, हम पैसे की सूरत में चाहते हैं, हम पॉपुलैरिटी की सूरत में चाहते हैं, हम कामयाबी को जिस तरह से डिफाइन करते हैं और चाहते हैं उस सूरत में, या एट द एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ कि कामयाबी आपके सुकून में, आपकी फैमिली के साथ, आपके एक अच्छे खाते पीछे घराने में होती है जिसको आप कामयाबी कह रहे होते हैं। इस डेफिनेशन को हम और एक्सप्लोर भी करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आज के हमारे मेहमान अमूमन हमारे शोज में आते रहे हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि इनको थोड़ा सा इनके बारे में इनसे बात करवाते हैं, इनकी कहानी जानते हैं, हम कुछ सीखते हैं, क्या राय ये मुझे और आपको देते हैं कि हम भी अपनी जिंदगियों में उस लेवल तक पहुंच सके जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे मिर्जा बेग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, सिफारतकार हैं, सियासतदान हैं, मुसन्निफ हैं, कॉलम निगार हैं, बिजनेसमैन तो हैं ही, तो ये तमाम चीजें इनके साथ और भी न जाने क्या क्या और जुड़ जाता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यहीं तक ही रोक देते हैं। कैसे आप सर्थी एंड हमारे लिए बिल्कुल यक्षा है, हमने उनमें कोई किसी एक को आगे पीछे नहीं रखा हुआ। लेकिन सर डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं और अक्सर हमारे शोज में आते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आते हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। और हमें जो पता चला, अक्सर लोगों को शायद पता है कि आप बैंकर थे, बैंकर के बाद इतनी सारी चीजों को अचीव करना अपनी जिंदगी में, और मेरे ख्याल में हमारे मास्टर्स में भी सबसे ज्यादा रेशियो उन्हीं लोगों का है जो सैलरीड क्लास है, जो एक जॉब से अपनी जिंदगी का, प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज करते हैं, लेकिन उसके बाद स्काई इज द लिमिट ये आपके जरिए उनको पता चल सकता है। तो इस कहानी को कहाँ से शुरू करेंगे? थैंक यू नुसरत। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड टू बी सेल्फ मेड, जो अपनी मेहनत से, गोल्डन स्पून से नहीं पैदा हुआ है लेके, बल्कि अपनी मेहनत से एक मकाम हासिल किया, अनथक मेहनत, इतनी मेहनत के 18-18 घंटे डे 30 साल जब आप काम करते हैं तो फिर जो कुछ आपको मिलता है तो बड़ा सेटिस्फाइंग भी होता है और आपको बड़ा मान होता है उस पर। लेकिन मेरे नज़दीक कामयाबी सिर्फ बहुत सारी दौलत या बिजनेस में बड़ा नाम कमाना नहीं है। मेरी सोच पहले थी यही कि बैंक बैलेंस बहुत सारे हों, दुनिया भर में अटाते हों, अपना आप प्लेन हो तो बहुत कामयाबी नहीं है। कामयाबी है कि आपने इज्जत, दौलत, शोहरत, तीनों चीजें एक साथ कमाई, लोगों के दिलों में एक मुकाम करा, साफ सुथरा रखा अपने आप को, क्रेडिबल रखा है, करप्शन का छाप कभी नहीं लगने दी हर दौर में, और लोग आप पे कोई शक नहीं कर सकते। हमारा सफर ही शुरू हुआ था कि वालदेन ने महदूद वसाइल में हमें अच्छी से अच्छी तालीम दी, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, MBA किया, PhD किया, उससे जो कॉन्फिडेंस आया दुनिया में हमने उससे फिर बैठ के नेगोशिएट करते थे, हमने कामयाबी हासिल की है। एज ए बैंकर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, UBL से ग्रेड 2 ऑफिसर हाईएस्ट पोजीशन होती थी, वहीं से स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग करी, उसके बाद माशाल्लाह तरक्की हम होती गई, फिर मिडिल ईस्ट बैंक में, मिडिल ईस्ट बैंक आ रहा था दुबई में, उसमें वहां पे हम पहली ब्रांच हमने वहां खोली थी, और फिर ऊपर गए इंटरनेशनल डिवीजन द्वारा के हेड पर्सन के, और फिर वहीं पे मैंने जो पैसे थोड़े बहुत जमा किए थे, इश्तियाक मेरे भाई मेरे साथ थे, वो इंजीनियर थे, मैं बैंकर था, हमने दोनों के जमा किए हुए पैसे साथ रखे, 4-5 लाख गर्म उस वक्त के हो गए थे, क्योंकि हमें अच्छा खाना पहनना, और उसके बाद फिर पैसे रखते थे घर वालों को भेजने के बाद हम जमा करते थे। तो उससे हमने एक बिजनेस फोटो मैजिक शुरू किया, वो एक रेवोल्यूशन था फोटो फिनिशिंग में, पहली बार फिल्म की प्रोसेसिंग 40 मिनट दुनिया में आई थी, 30 दिन के बाद फोटो आते थे पहले, और उसने उदम मचा दी, हमने एक के बाद दूसरे, आज भी हमारे 25 शोरूम है तमाम शॉपिंग मॉल्स में,
हम मस्कत में मनीला में हैं, हम मोरक्को में गए अफ्रीका में, मोरक्को में वी वर द पायनियर्स एंड द लार्जेस्ट रबात मराकेश शहर सब शहरों में छा गए, पाकिस्तान आए यहाँ पे भी। उसके बाद मेरे दिल में यह था कि अपने मुल्क वापस चलो, बहुत कमा लिया पैसा। तो 92-93 में यहाँ और यहाँ से सनतें लगाई, पहला हमने भवानी टेक्सटाइल मिल लिया था, उसको बेग टेक्सटाइल मिल बनाया स्पिनिंग मिल, और स्टॉक चेंज पे लिस्ट कराया और कामयाबी हुई और अवार्ड मिले। उसके बाद सनतें लगाते चले गए एक के बाद दूसरी तीसरी, लीजिंग कंपनी डेनम वगैरह वगैरह, और अल्लाह ताला ने सब में कामयाबी दी। इस कामयाबी में अल्लाह ताला के करम के साथ जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मेरी वालदा की दुआओं का था। जब भी हम कोई चीज करते थे मैं उनके पैर पकड़ के उनसे कहता था मैं दुआ करें, और फिर वो रात को उठ के तहज्जुद की दुआएं शुरू कर देती थी। तो आप इतनी दखी सही नहीं है, एक मिक्सचर होता है कामयाबी, आपकी मेहनत वालदैन की दुआएं और नियत, नियत अगर साफ है तो मंजिल आसान। अच्छा, नियत हम इसको कहते हैं ना, एक तो आप भी इसके बारे में बताइए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनको भी नफा पहुंचाना चाहते हैं, आप साफ दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी की कामयाबी के रोक के किसी का रोक छीन के पहुंचा के, ये सब नियत है। तीन चीजें होती हैं फेजेस लाइफ में। पहला फेज जिसमें हम भी रहे, पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता था, जब तरक्की हो रही है, अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, बैलेंस शीट में मुनाफा आ रहा है, एक्सपेंशन करते चले जा रहे हैं, मुल्क मुल्क से बाहर ट्रैवलिंग हो रही है कि आज इधर मीटिंग की, उधर बहुत अच्छा लगता है, फिर वो शौक खत्म हो गया, कितना अच्छा कमाएंगे। फिर पावर रिकग्निशन का आया कि लोग पहचाने आप, उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, सियासत में भी, सफारत में भी, मैं कौंसल जनरल हूँ यमन का, पूरी दुनिया में जो कौंसल जनरल की नुमाइंदा बॉडी है उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हूँ। फिर उसमें भी एक शौक था वो खत्म हो गया, यानी कितना आप लोगों ने जो इज्जत मान दिया बस बहुत है। तो मुस्तकिल चीज है जिससे दिल नहीं भरता, या जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन वो आखिर में पता चले, वो है कि आप कंट्रीब्यूट करें, आप कुछ रिपेक करें, कुछ वापस करें अपने कॉलम। 17 साल से मैं जंग में मार्शी कॉलम मंडे के मंडे आता है, 17 साल को मैं हर संडे को सुबह 7-8 बजे से शुरू करता हूँ, रात के 7-8 बजे तक यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, यूथ को लेक्चर देना है, विजिटिंग फैकल्टी है, मैनेजमेंट के जो 20 ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, अब लगता है मुझे कि दिस इज व्हाट जो मुझे और ये खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि न सिर्फ अल्लाह ने इज्जत दी शोहरत दी, बल्कि अब वो जज्बा है कि कंट्रीब्यूट करें यूथ के लिए, इस मुल्क के लिए। और मैं यूथ पार्लियामेंट, नौजवानों की कोई चीज होती मैं दौड़ा चाहता हूँ, कोई लेक्चर्स होते मैं दौड़ा भागता भागता जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये वो कर्ज है जिसमें से मैं थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ इस मुल्क को, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, आज से मेरा वही सवाल है कि कामयाबी के लिए आप लोगों ने जो बताया उससे ये बात जाहिर हो गई है, हम सब इससे ईमान भी रखते हैं कि शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत तो दरकार ही है। जब तक मेहनत नहीं होगी जब तक आप इस लेवल पर लॉन्ग लाइफ होगा नहीं, और जितनी सख्त मेहनत होती है उतनी ही बड़ी सक्सेस होती है। जी, अगर आप इंग्रेडिएंट्स पूछना चाह रही हैं जी कामयाबी के बुनियादी, और वो एक मैसेज भी है जो हम देना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो अनथक मेहनत लेकिन राइट डायरेक्शन में, आप बिल्कुल रोड मैप आपको मेंटेन कर। दूसरी चीज ये वालदैन की दुआएं, बिल्कुल वालदा की दुआएं। तीसरी चीज अच्छी तालीम, एक स्ट्रांग एकेडमिक बैकग्राउंड से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है सही फैसला करने के लिए। चौथी चीज एका, मैं और इश्ताक 35 साल के साथ हैं, हमारे बिजनेस साथ है। जब जैसे हमारी जन्म में 16 बार हमें हाईएस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड मिला, तो 8 बार इश्ताक ने जाके हेड ऑफ द स्टेट से ट्रॉफी लिया, 8 बार मैं गया, 16 बार मैंने नहीं लिया या 12 बार मैंने नहीं लिया, तो साथ लेके चले। और भाइयों में अगर इतफाक हो, जैसे भाई हम बिजनेस में दो ग्रुप में साथ हैं, मुल्क में भी मुल्क से बाहर, तो बहुत बरकत होती है। हमारी वालदा कहती थी कि एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं, और उन्होंने आखिरी वक्त तक हाथ पकड़ के, जब वो आखिरी वक्त था उनका, मुझे यही कहा कि भाई को साथ लेके चलना है, भाई को छोड़ना नहीं। और हमने एक उसूल बनाए हुए हैं जिसमें फैमिली इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, बिजनेस में हम भाई जो हैं वो फैमिली बिजनेस को लेके जा रहे हैं, नहीं हमारे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा इश्तियाक के बेटे वहाँ से पढ़ के मास्टर्स करके आए हैं टॉप यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, लेकिन पाकिस्तान आए
जब हमने उनसे पूछा मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, मेरी दो बेटियां और एक बेटा है और सबने अलग तालीम हासिल की, क्या प्लान है, क्योंकि वो बतलाते थे यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया, यहाँ पे इस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट में बुलाया और उसके साथ लंच करा, तो हमने कहा कि नेक्स्ट भी आप कन्वोकेशन अपने साथ की सीट कराइए, हम आएंगे और सब यहाँ आए और हमारे साथ लगे। तो कहने का मकसद ये कि मैंने पूरी जिंदगी बाहर गुजारा, तालीम भी और बिजनेस भी बाहर से शुरू करा और उसके बाद इतने सारे पैसे हो गए, हम समझते थे कि हम अपने मुल्क में बिजनेस कर सकते हैं, तो 93 में उन सब पैसों को बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में ला के एक से दूसरी से तीसरी सनतें लगाई, क्योंकि बैंकर थे, लीजिंग कंपनियां बनाई, हजारों लोगों ने हमारे यहाँ जॉब्स की, तमाम डॉक्यूमेंट के हर चीज दी, उसकी वजह से आज तक बच्चे भी जो काम कर रहे हैं वही लाइन पे कर रहे हैं, कभी शॉर्टकट हेरा फेरी की आते ही नहीं है, गैंग में ये सिस्टम ही नहीं हमारे। और एक चीज में उनसे कहते थे कि देखो बेटा ये नहीं है कि कितना बैंक का अकाउंट है आपको अमीर बनाएगा, आपकी जहानत, आपका इखलास, आपकी तालीम, जेवर से भी अगर आप अमीर हो रहे हैं, नहीं तो बाली के शूज और जाओ मनी का सूट पहन के जब कभी नहीं खुलता आदमी साहब करते हैं तो बोलता नहीं कि अच्छा था, बिकॉज कोई उसमें विजडम नहीं है, कोई उसमें ऐसी नॉलेज नहीं, तो वो रिच नहीं हुआ तालीम में, वो रिच नहीं हुआ इखलास में, जहाँ उसको पैसे के साथ साथ ज्वाइन ही नहीं होना था। मैं ये समझता हूँ, और एक चीज आखिरी जो मैं बताऊंगा, मेरी तमाम जो कुछ अचीवमेंट है मुल्क मुल्क से बाहर में, एक चीज मैं समझता हूँ मेरी हैसियत तो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर वाले ने मुझे दी, तो ये है कि मुझे और इश्तियाक को पिछले काबा का आदत दी है, हमने खाना कबा में अंदर जाके बल्दा की दुआओं से हमने काबे को हौसल भी दिया, वहाँ के किंग के साथ बादशाह के साथ कैसे कायद भी लेकर आए और दुआएं भी की। मैं समझता हूँ जो कुछ मैंने अब तक अचीव किया है वो सब एक तरफ और ये भी कामयाबी तरक्की मेरे एहसास है, मैं ये सबसे ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल इसका तो कोई, और ये मैं तस्वीर नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ और इसके आज मोरक्को के कौंसल जनरल है, और जब मैं एक बार हौसले काबा के प्राप्त कर रहे थे तो हमें रोक दिया था प्राप्त करने के लिए, भाषा आ रहे थे हौसले काबा की, तो हम अम्मी का हाथ पकड़ के मैं खड़ा हो गया, 9 साल अम्मी को उम्र पे ले गया था, 14-15 उम्र कराए थे, तो हाथ पकड़े मैं कह रहा था मैं, मेरा भी दिल चाहता है कि अभी मेरी ऐसी शादत हो कि मैं भी अंदर जाऊँ, अब मैं बोल के भूल गया। अम्मी हर रात को ताजुद से उठ के दुआ करती थी, और फिर एक बार सऊदी सफारत खाने से फोन आया कि जी आपको दो कॉन्सुलेट खोल दिया और आपको वहाँ पे रॉयल गेस्ट की हैसियत से आप वहाँ, तो ये चीजें दुनिया में भी पता चल जाता है, लेकिन नियतों का खेल है। और मैंने अब जाके एक तो ये हासिल किया, सीखा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और दूसरी चीज जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये थी कि सऊदी कारोबार जब कर्जे जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो बैंकों से लोन लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, जब मुझे पता चला अल्लाह ताला से जंग है नुसरत, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक महीने में 1500 करोड़ बैंकों का पे करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 0 बैंक के सूदी कर्जे मेरे पर। क्या बात, अब मैं वॉल्यूम के बगैर सो सकता हूँ, उस वक्त वॉल्यूम खाके करवट बदलते थे, दिल नहीं होती और सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते जाते हैं तो दूसरी सीढ़ियाँ सामने आती रहती हैं। ख्वाहिश तो अब यही है कि इस मुल्क के लिए कुछ कर जाए, और यही वजह है कि हमने पॉलिटिक्स चरण में शेख बेनज़ीर भुट्टो के कहने पे मैंने हिस्सा लिया, बहुत कर्ज है इसका, इसमें इसकी इज्जत नाम मान शाम दी। अब मैं जब बाहर से यहाँ आया हूँ मेरा बिल्कुल बाहर वापस जाने का दिल नहीं चाहता, तो अब ख्वाहिश अब यही है कि ये इज्जत दौलत शोहरत जो भी मिली है उससे इस मुल्क को कुछ रीपे कर जाए, और नौजवानों को यूथ को बिलखसूस जो एक बार जहां पे उसमें से किसी हद तक हम कमी करें।